साधना से सिद्धि। साधना की गई पर सिद्धि नहीं मिली, तब तो किया गया पर तृप्ति नहीं मिली। अनेकों साधकों की विकलता यही है, लगातार सालों साल साधना करने के बाद वे सोचने लगते हैं, क्या साधना का विज्ञान मिथ्या है, क्या इसकी तकनीकों में कोई त्रुटि है। ऐसे अनेकों प्रश्न कंटक उनके अंतःकरण में हर पल चुभते रहते हैं। निरंतर की चुभन से उनकी अंतरात्मा में घाव हो जाता है, जिससे वेदना रिश्ती रहती है। बड़ी ही असह्य होती है चुभन और रिसन की यह पीड़ा, बड़ा ही दारुण होता है यह दर्द। महायोगी गोरखनाथ का एक युवा शिष्य भी एक दिन ऐसी ही पीड़ा से ग्रसित था। वेदना की विकलता की स्पष्ट छाप उसके चेहरे पर थी। एक छोटे से नाले को पार करके वह एक खेत की मेड़ पर हताश बैठा था। रात प्रायः बीत गई थी, खेतों पर सुबह का सूरज फैलने लगा था। पास से गुजरती बैलगाड़ी की आवाज सुनकर चांदनी के फूलों से बगुलों की पात सूरज की ओर उड़ गई। इनकी ओर उसने बड़ी ही निराश नजरों से देखा, तभी उसे पास के खेत से ही गोरखनाथ आते दिखाई दिए। उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करते हुए उसने पूछा, गुरुदेव मेरी वर्षों की साधना निष्फल क्यों हुई, भगवान मुझसे इतना रूठे क्यों हैं? महायोगी हंसे और कहने लगे, पुत्र कल मैं एक बगीचे में गया था, वहां कुछ दूसरे युवक भी थे। उनमें से एक को प्यास लगी थी, उसने बाल्टी कुएं में डाली। कुआं गहरा था, बाल्टी खींचने में भारी श्रम पड़ा, लेकिन जब बाल्टी लौटी तो खाली थी। उस युवक के सभी साथी हंसने लगे। मैंने देखा, यह बाल्टी तो ठीक मनुष्य के अंतःकरण जैसी है, इसमें छेद ही छेद है। बस यह कहने भर को बाल्टी थी, उसमें छेद ही छेद थे। बाल्टी कुएं में गई, पानी भी भरा पर सब बह गया। बस साधक के मन की यही दशा है, इस छेद वाले मन से कितनी ही साधना करो पर छेदों के कारण सिद्धि नहीं मिलती, इससे कितना ही तप करो पर तृप्ति नहीं मिलती। सिद्धि और तृप्ति चाहिए तो पहले मन के छेदों को मिटाओ, अपने दोष दुर्गुणों को दूर करो। पहले संयम तब साधना फिर सिद्धि, यही साधना से सिद्धि का मर्म है। अपने मन की बाल्टी ठीक हो तो साधना सिद्धिदायी होती है, मन की बाल्टी में छेद हो तो तप तो खूब होता है पर तृप्ति नहीं मिलती। भगवान कभी भी किसी से रूठे नहीं रहते, बस साधक के मन की बाल्टी ठीक होनी चाहिए। कुआं तो सदा ही पानी देने के लिए तैयार है, उसकी ओर से कभी भी इनकार नहीं है। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।